सभी लोग को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब YouTube पर कंटिन्यू वीडियो आएगा और नए ढंग से आ रहा है। एक दिन में एक चैप्टर, चाहे वो नाइन्थ का हो या टेंथ का हो, अल्टरनेट करके आएगा। एक दिन टेंथ का आएगा, एक दिन नाइन्थ का आएगा। यानी जो टेंथ के विद्यार्थी होंगे वो ये कर सकते हैं कि नाइन्थ का भी उनका बेसिक ठीक हो जाए, या इलेवेंथ क्लास के विद्यार्थी हो नाइन्थ का। तो ये अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका बेसिक कंसेप्ट, नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर है वह चैप्टर है चैप्टर वन। चैप्टर अगर हम वन की बात करें तो चैप्टर वन आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम ये कभी भी किसी को ये छोड़ नहीं सकता है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति में आपकी भूल क्या क्या होगी ये जानना जरूरी है। तो संख्या पद्धति में भूमिका क्या होगी? सबसे पहले संख्या आई, सबसे पहले जो संख्या आई वह नेचुरल नंबर आई। नेचुरल नंबर आई, नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नंबर्स कर दिए तो संख्याएं हो गई, यानी प्राकृत संख्याएं जो काउंटिंग का है, वन टू थ्री फोर। यहां देखिए ये जीरो नहीं है, इसलिए सिंबल है। ये सिंबल आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग सिंबल नहीं जान पाते हैं, तब प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंबल जानना बहुत जरूरी है। क्या ये सभी को सिंबल आ गया, जितने लोग हैं? यानी एक रिक्टेंगल टाइप का होगा, लेकिन चूंकि इसमें शून्य की कमी है इसलिए ये कटा हुआ होगा। अब अगली संख्या हमारी पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर यानी ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, यानी इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। जीरो, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट। हम समझते हैं, यह बात सब लोग को समझ में आ गया। अब इसके साथ निगेटिव जुड़ जाएगा, मीन्स ये रिक्टेंगल तो है ही, और इसके साथ ट्रायंगल ऐड हो गया। यानी होल नंबर के साथ ये जीरो, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट डॉट, और इधर भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट डॉट। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, इसको कहते हैं इंटीजर्स। यानी यह इंटीजर्स, और हिंदी में इसे कहते हैं पूर्णांक, 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 यानी पूर्ण वाला सिंबल इसका ये। अब तुम्हारे पास इसके बाद जो आया है, जिसके सहारे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, माने मापते हैं, वह संख्या कहलाती है रेशनल, यानी आपको रेशनल के बारे में जानना होगा। रेशनल नंबर यानी इसको कहते हैं परिमेय।
परिमेय 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 संख्या जिसके सहारे हम लोग मापते हैं, यानी मापेंगे तो कुछ ना कुछ एक्यूरेट भाई, यानी यह जो होगा वह पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू नॉट इक्वल जीरो। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू नॉट इक्वल जीरो होगा। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू नॉट इक्वल जीरो होगा। एंड पी एंड क्यू इंटीजर्स होगा। पी एंड क्यू क्या होगा? इंटीजर्स होगा, यानी आप परिमेय संख्या के बारे में जान चुके। अब यहां पर रेशनल नंबर इक्वा भय की अगर हम बात करें, यानी इक्वा है रेशनल नंबर, जैसे तुम्हारा ये 2/3 है, यह इक्विवेलेंट होगा 4/6 का, यह इक्विवेलेंट होगा 6/9 का, यह इक्विवेलेंट होगा 8/12 का, और यह इक्विवेलेंट होगा 10/15 का। ये सब इक्विवेलेंट है, यानी अगला आपको जानना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तुल्य प्रमेय संख्या। तुल्य प्रमेय संख्या क्या है, यह बात आप लोग जान गए। अगली कुछ हम बात करेंगे मेजर फैक्ट। अगर हम मेजर फैक्ट की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का, तो वह चूंकि 1 से स्टार्ट होता है और ये चलते चला जाता है इंफिनिटी तक, इसलिए इंफिनिटी होगा। अब हम बात करते हैं अगर नेचुरल नंबर एक जोड़ देने से भी नेचुरल नंबर प्राप्त होगा, जोड़ने से नेचुरल नंबर प्राप्त। इसी ढंग से अगर हम बात करें होल नंबर का, तो होल नंबर में सबसे छोटी संख्या 0 है, और 0 to 1 to 3 डॉट डॉट डॉट। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर को, यानी नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कहते हैं, लेकिन प्रत्येक होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं, क्योंकि 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं कहते। अगली हम बात करेंगे, यह बात आपको आ गया। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। अब देखो कि इंटीजर्स को, यानी नेचुरल नंबर को हम कैपिटल लिखे, नेचुरल नंबर से भरी हो गया, होल से भरा है इंटीजर, और इंटीजर से भरी है रेशनल। नेचुरल नंबर का तो यंग से ठीक है, यहाँ होल भी ठीक है। यहां पर एक समस्या आया, इंटीजर्स का तो पहले आई है, लेकिन यहां जेड का क्या नाम है? यह जो है जर्मन वर्ड से बना है, वह जर्मन वर्ड है जेहलिन, 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 जेहलिन से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना, चाहे पॉजिटिव में गिनो या निगेटिव में। और जे का मतलब होता है, जे का मतलब होता है संख्या, संख्या, संख्या मतलब नंबर, नंबर होता है। यह बात आपको करने आ गया होगा, आ गया होगा। यह आपको अगर करने आ गया है, तो हम लोग बढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। हम लोग ने जाना, पहचाना, और इसको हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में यह जरूर ग्राफ को आप लोग लिख लें, या नेचुरल, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसे, प्रॉपर सबसे, क्या बोलते हैं प्रॉपर सबसे,
होता है किसका? होल का, होल प्रॉपर सबसेट होता है किसका? इंटीजर्स का। इंटीजर्स प्रॉपर सबसेट किसका होता है? रेशनल का। रेशनल का यह बात आपने लिख लेना है अपने कॉपी में। अगर कॉपी में नहीं लिखोगे तो यह बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आपको यह सिखाया जा रहा है और हम लोग अब यहां पर देखोगे कि यह बात तुम्हारे पास आ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो अब रेशनल नंबर आ गए। अब दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हम रेशनल नंबर आ गया, अब रेशनल नंबर के बीच में जैसे 1/3, 1/2, अब इसमें और रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो ध्यान देना मेरे दोस्त। आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट रेशनल नंबर, या इक्वावेलेंट में नहीं है इसको। आपको दोनों को जब भी हम निकालेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा उसको बराबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर बराबर होने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी 2 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 का एलसीएम क्या हो गई? 6। अब 6 का इक्वावेलेंट करने के लिए 3 2 6 करेंगे, यानी 2/6। आप इसको 6 पूरा करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना। अब ये हो गया, जितना नंबर निकालना रहेगा तो यहां पर प्रश्न में पूछा है 3 नंबर, तो उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यह पीजन होल थ्योरम है। पीजन होल थ्योरम है, यानी कबूतर घोंसला का यह थ्योरम है। कबूतर घोंसला का थ्योरम है। कबूतर समझते हो पीजन ना, और घोंसला समझते हो ना? अगर आपने 3 कबूतर पाला, 3 कबूतर पाला, घोंसला कितना बनाना पड़ेगा? 2 सेपरेट रहने के लिए। कबूतर नंबर 1 और यहाँ पर 2, एक को बाहर छोड़ दो। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर एक रड है, अगर इसको 3 टुकड़ा करना है, 3 टुकड़ा करना है तो इसे 2 बार काटना पड़ेगा। इसी ढंग से अगर 3 निकालना है तो एक ज्यादा करना पड़ेगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 8 और 6 4 2 4। यहाँ 4 3 12 और 6 4 2 4। अब देखिए 8 और 12 के बीच में 3 गैप हो गई, तो कौन कौन? अब हम लोग यहाँ पर पहला आ गया 9/24, 10/24, 11/24। आया कि नहीं आया? कैसे निकालते हैं? यह बात सभी स्टूडेंट को अच्छे से करने आ चुका है, आ गया है, बहुत अच्छी बात। और नहीं आया है तो सीखने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, आप सीखें। अगली प्रश्न अगर हम बात करें एनसीईआरटी किताब की, तो एनसीईआरटी किताब में वहां पर 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा। यहाँ पर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करें तो वह कहा है 3/5 और 4/5 में 5 रेशनल नंबर निकालना है। अगर 5 निकालना है, आप लोग जवाब दें कि कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। यानी 6 3 18 और यहाँ पर 6 5 30, यानी 6 4 24 और 6 5 30। अब इसके बीच में गैप देखें तो 5 हो गया है, 1 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। यह बात आपको अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं क्लियर हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लियर करने की जरूरत। और अब हम बात करते हैं, समय आ गया है क्वेश्चन मिनटों का। एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल से लेकर के सारा चीज हम लोग करेंगे, लेकिन चूंकि मैराथन है, क्वेश्चन जैसे ही समाप्त हो जाएगा हम लोग दूसरे चैप्टर को भी चालू करें। एक्सरसाइज 1.1 का समय आ चुका है, एक्सरसाइज 1.1 का समय आ चुका है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इज 0 इज रेशनल नंबर,
बिल्कुल 0/a, और a नॉट इक्वल 0। 0 आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कोई चीज को नापने गए, आपको कोई चीज वो नहीं दिया, 0 हो गया। या दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि कोई 5 मीटर दिया और फिर 5 मीटर ले दिया, तब भी 0 हो गया। या आपने कहूं वेजिटेबल 5 kg और वेजिटेबल्स खराब था तो रिटर्न कर दिया, तब भी 0 हो गया। यानी 0 रेशनल नंबर है, इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल 0। यह बात आपका क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 6 को रेशनल नंबर निकालना, 3 और 4 के बीच में। अभी 6 को निकालना है, बिल्कुल आपका 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां 7 या 21/6, और यहां पर 7 चौके 22, 22 है। हम आराम से लिखते चले जाएंगे मेरे भाई बहनों। यहां पर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आप देखिए, 6 आपका निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन सोचो, तुम क्रिएटर हो। ये हमारा चैनल क्रिएटर सुपर 30 है, जो स्टूडेंट को क्वेश्चन क्रिएट करना भी सिखाता है। ये क्रिएटर सुपर 30 है। अगली प्रश्न आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 4/5 और 5 निकालना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। यहां पर 18 और ये 30, यहां पर 24 और 30, निकल गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यह आपका निकल गया है और आपका क्वेश्चन सही है, बनाने आ गया है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमारे स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल बना देंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, और एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन करवा देता हूं, क्योंकि मेरी आदत है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी का। आर द फ्लाइंग स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन टू योर आंसर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज सुपर, यस एवरी रेशनल नंबर इंटीजर, नो निगेटिव, निगेटिव। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फाइंड द रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई करना, 6/6 और यहां 12/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। हम समझते हैं कि आराम से आ जाएगा। अगली प्रश्न है तुम्हारे पास, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपने कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लोग आप ब्रेक नहीं लेंगे, आप ब्रेक ले सकते हैं लेकिन हम तो ब्रेक नहीं लेंगे, हमारे क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव द रीजन योर आंसर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए, नेचुरल नंबर का सिंबल ऐसे होता और होल नंबर का सिंबल ऐसे होता है, इसको इसमें रख सकते हैं, इसलिए ट्रू है। और यहां पर अगर बात करें 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव, यहाँ 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव, यानी इसको इसमें रखा जा सकता है लेकिन इसको इसमें रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, यार इंटीजर्स का सिंबल ऐसा होता है, ये ट्रेंगल बन जाता है, होल नंबर का रिक्टेंगल होता है। अब एक बात बताओ, इसको तो इसमें रख सकते हो लेकिन इसको इसमें नहीं ना रख सकते हो, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर,
यार रेशनल नंबर के तो और बड़े डायग्राम होते हैं, यहाँ पर तो ये बात है तुम्हारे पास डायग्राम हो गए और इधर से भी ये डायग्राम हो गए, तो नहीं रख सकते हो, तो नो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक की बात हो, 1.1 चैप्टर समाप्त हो गया, अब हम लोग मिलने जा रहे हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस साहेब मैथ के दुनिया में पाइथागोरस साहेब का भी नाम बहुत अच्छा है। अगर पाइथागोरस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए पाइथागोरस साहेब को, पाइथागोरस साहेब को मार दिया गया था वो बाल नदी के किनारे रेत से खेल रहे थे, रेत से खेल रहे 13-14 आदमी बोला। यहां पर ये एरिया ऑफ सर्कल निकाल दे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। बोले क्या, मुझे मार दो ये चलेगा, लेकिन यहां जो हम रेत पर एक फिगर बनाए हैं, तुम लोग प्रॉमिस करो इसे मिटने मत देना। एरिया ऑफ सर्किल है, पाई का इसमें वैल्यू है। मर्डर हो गया। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस साहेब के बारे में, फैक्ट आप लोग समझ गए, यानी अब हम लोग इसके दूसरे प्रभाव में, तो टॉपिक का नाम है इरेशन। इरेशन, अगर पेन चेंज कर देना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, पेन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम पेन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और पेन ग्रीन से, ग्रीन से नया टॉपिक, नया टॉपिक ग्रीन से। और ये इरेशनल, 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 इरेशनल नंबर जिसे तुम मेजर नहीं कर सकते हो, यानी हिंदी में अपरिमेय में संख्याएं, यानी जिसे तुम मेजर नहीं कर सकते, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जैसे पाई। पाई क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल और डायमीटर का रेशियो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल डायमीटर का रेशियो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, आई 2 आर होता है पाई। अब पाई की वैल्यू निकाली गई तो पाई का एप्रोक्सिमेट वैल्यू 22/7, इससे भी मोर एप्रोक्सिमेट वैल्यू 355/113, यानी ये इंडियन सिस्टम में है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में है, या इंडियन सिस्टम में है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यह जो पाई है यह इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लेकिन यह 22/7 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। यानी आपसे कोई पूछेगा पाई के बारे में तो हम समझते हैं कि आप अच्छे से बना देंगे, अगर बनाने में कोई तरह की तकलीफ तो हमें बताएं, उस तकलीफ को हम दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करते रहते हैं। यह बात आपका क्लियर है तो यह बात जो है महान गणितज्ञ पाइथागोरस साहेब ने 400 ईसा पूर्व की बात है कि इरेशनल नंबर को खोदा, उन्होंने कहा था कि जिसको आप अनुपात में रेशियो में नहीं लिख सकते हो वह इरेशनल होगा, वह इरेशनल होगा, वह इरेशनल होगा, वह इरेशनल होगा।
इस पर जॉर्ज कैंटर साहब ने इस पर बताया कि वास्तविक यानी रियल नंबर दो टाइप का होगा, एक माप सकते हैं और जिसको नहीं माप सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, वह इरेशनल हुआ, वह इरेशनल हुआ। यह बात को आपको जानने की आवश्यकता। आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन को। अब रूट टू को हम कैसे दिखा सकते हैं? तो यहां पर रूट टू को दिखाना है, यह बात जानने की जरूरत। तो यहां से ये नंबर लाइन ले लिया, ये जीरो है, ये वन है, यहां टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, -1, -2, -3, -2। अब 8 यूनिट आप और एक। अब देखिए यहां पर पाइथागोरस लगा दीजिए तो यह हाइपोटेनस हो जाएगा, यह रूट टू होगा। इसी ढंग से अगर रूट थ्री को दिखाना रहेगा तो यहां ये रूट टू यूनिट है, यहां से परपेंडिकुलर हो जाए तो ये आपका रूट थ्री हो जाएगा। यह बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, समझने की आवश्यकता नहीं, और आपने बिल्कुल कर चुके हैं। यानी आपको ये नंबर सिस्टम में दिखाना है तो आराम से आप दिखा सकते हैं। अगर मान लिया रूट फोर, तो फोर तो टू तो हो जाएगा। रूट फाइव को दिखाना है तो यहां पर हम 2 के स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 2 यूनिट इधर से ले लेंगे और यहाँ 1 यूनिट ले लेंगे, या और यह जो सर्कल आएगा वो हो जाएगा। लेकिन समस्या यहां पर आई, समस्या क्या आई भाई? तो बोला साहब ने कहा कि रूट अंडर एक्स दिखाना है, हमें रूट अंडर एक्स दिखाना है। अब इसके लिए क्या करना होगा पता है? करते हैं। इसको गौर से देखो मेरे भाई बहनों, ये -1, -2, -3, माइनस, यहां 1, 2, 3, 4, ये नंबर सिस्टम का है। अब यहां पर थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं, रेड पेन लेना पड़ेगा। ले लिया, ये ऑरिजिन ले लिया। अब एक्स यूनिट बाएं तरफ और वैसा नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट ना हो। जैसे एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक से रहेगा, यानी 1 यूनिट हम आगे बढ़ाएंगे। यह बात बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यह जो हमारा लाइन सेगमेंट है, वह लाइन सेगमेंट हो गया एक्स प्लस। अब इसको बाइसेक्ट करोगे तो यह लाइन सेगमेंट हो जाएगा x+1/2। इसको बाइसेक्ट कर दिया, यह बाइसेक्ट करके यहां पर नामांकन कर दिया a से, हो गया। अब ये हमारा रेडियस हो गया, इसका नाम रख दीजिए b और यहां पर c, यानी रेडियस हमारा ab और ac रेडियस। अब इससे हम सेमी सर्कल खींच देंगे, यहां पर ये खड़ा हो गया, इसका नाम रख दीजिए d और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ए भी तो रेडियस है ना होगा, यानी AD क्या होगा बताओ? तो बोलोगे x+1/2।
1300 ओडी निकालना। ओडी निकालने के लिए पहले एओ निकालना पड़ेगा। एओ क्या होता है? एसी माइनस ओसी। एसी तुम्हारे पास क्या है? एक्स प्लस 1/2। ओसी तुम्हारे पास क्या है? 1, यानी एक्स माइनस 1/2। यानी एओ भी पता चल गया, यानी दूसरे कलर से अगर हम करेंगे तो फिगर में दिखेगा यह एक्स प्लस 1/2 है और ये वाला एक्स माइनस 1/2। आप देखोगे कि तेरे को ओडी निकालना है। कलर थोड़ा सा ठीक नहीं है, कलर को और बेहतरीन कलर देना पड़ेगा। यहां ओडी, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर। यह ओडी स्क्वायर है। एडी तुम्हारे पास है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और एओ क्या है? एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x+1/4, यहां हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x+1/4। अब इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहां हल हो गया, 4 एलसीएम हो गया, -x² + 2x - 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2x से 2x कट गया, और सॉरी 2x से 2x नहीं कटा, सॉरी ये 2x 2x रहेंगे, 1 से 1 कट गए, यानी फाइनल हो गया यहां पर 4x/4। 4 से 4 कट गए, यानी ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी ओडी का वैल्यू रूट अंडर एक्स हो गया। यानी यह कंफर्म हो गया कि ओडी का वैल्यू रूट अंडर एक्स हो गया। अब यहां सुई रखेंगे, यहां पेन रखेंगे, यह दिखा दिए रूट अंडर एक्स। ये पहला तरीका है, पाइथागोरस है। अब हम मिलते हैं उस शख्स का, उस शख्स के नाम जिसको, उस शख्स का नाम बताना हम चाहते हैं जिनका जन्म हुआ लेकिन उनके मम्मी पापा गुजर गए, मम्मी पापा गुजर गए। अब उनका लवारिस हो गए, उस शख्स का नाम था कार्ल पियर्स। कार्ल पियर्स क्या नाम था? उस शख्स का नाम था कार्ल पियर्स। उस शख्स का नाम क्या था बताओ? कार्ल पियर्स। नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, पियर वाला सा, पियर साबुन बहुत फेमस है। उन्होंने कंसेप्ट दिया एम जीएम एच एम, ए और बी है, एम हो जाएगा a+b/2, जीएम हो जाएगा √ab और HM हो जाएगा 2ab/a+b। यह AM GM HM का कंसेप्ट। AM सब लोग समझ गए, दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग दे दिए। GM सब लोग समझ गए, दोनों को प्रोडक्ट करके जीतना था। इसी ढंग से स्किल को विकसित करवाया सब लोग को, ABC रहेगा। एम क्या हो जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, जीएम क्या हो जाएगा? थर्ड रूट ऑफ ए बी सी, एचएम क्या हो जाएगा? थ्री ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस, या तुमको फिजिक्स में भी काम देगा, एवरेज 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 में काम देगा। इसलिए लॉजिक को जानना सबको जरूरी है। अगर इन लॉजिक को आप जान चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जान चुके हैं तो आपकी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जितना ना जानेंगे उतना ही बेहतरीन आप खिलाड़ी बन सकते हैं। अगर ये चार का रहेगा, चार का रहेगा तो ए एम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर, जी एम क्या हो जाएगा? फोर रूट अंडर ए बी सी डी, और एच एम क्या हो जाएगा? फोर ए बी सी डी बाई ए छोड़ दिया तो बी सी डी, बी छोड़ दिया ए सी डी, सी छोड़ दिया ए बी डी और ए बी सी। यह बात आपका क्लियर हो गया? अगर यह बात आपका क्लियर हो गया है तो आप बताएं, और नहीं क्लियर हुआ है तब भी बताएं। हम समझते हैं कि सभी विद्यार्थी को यह क्लियर हो गया है, क्योंकि हम विद्यार्थी को अब नाम लेने में जो है थोड़ा सा असमंजस है, ये करने आ गया। दूसरा इन्होंने कंसेप्ट दिया, क्या दिया समझे? एम बड़ा होता है या बराबर होता है जीएम से, बड़ा या बराबर होता है एचएम से। तो पहला ये आया कि एम बराबर जीएम बराबर एचएम कब होगा? सिंपल कंसेप्ट है, जब ए और बी बराबर होगा। अगर ए और बी बराबर होगा तो अर्थमेटिक में निकालो, ए प्लस बी बाई टू, और ए बी बराबर है तो ए होगा। जीएम निकालो तो ए इंटू ए भी हो, एच एम निकालो तो टू ए स्क्वायर बटे टू ए, टू से टू कट गया ए हो गया। मतलब अगर चार चार का अर्थमेटिक में निकालोगे तो चार आएगा, ज्योमेट्रिक में भी निकालोगे तो चार आएगा, हार्मोनिक में भी निकालोगे तो चार आएगा। यानी अर्थमेटिक में, ज्योमेट्रिक में और हार्मोनिक में ये सभी केसेज में सेम आ रहा है। अगर यह डेटा डिफरेंट हो, यानी यहां पर ए है और इतना ही बड़ा भी है, तो इसकी सेमी सर्कल निकालोगे तो यहां पर ए एम होगा, यही जी एम होगा, यही एच एम होगा। लेकिन अगर ए वाला ए है और यहां से यहां तक ए बी, अब इसकी सेमी सर्किल निकालोगे तो ये होगा, ये वाला जीएम कहलाएगा, ये वाला एएम कहलाएगा और ये वाला एचएम कहलाएगा। अब फिगर से स्पष्ट है कि एएम बड़ा है जीएम से और बड़ा है क्या से, एचएम से। अब प्रश्न ये उठता है कि जो रूट अंडर एक्स को दिखाना था, अगर अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशन भी दिखा तो ये वाला एक्स और ए वाला हुआ। अब इसका सेमी सर्कल खींच देंगे, अब इसको तो हम रूट अंडर एक्स कहते ही हैं, और ये वाला एक्स प्लस वन बाई टू, तो ये आराम से आपको आ जाएगा। यानी अब मार्केट में तुमको रूट टू को दिखाना है, यहां ओरिजिन ले लो, इधर से 2 यूनिट, इधर से 1 यूनिट, और इसको सेमी सर्कल बनाओ, यहां खड़ा हो जाओ, ये रूट टू। तेरे को रूट थ्री दिखाना है, ये और दी, यहाँ 3 यहाँ 1, सेमी सर्कल खींचो, ये वाला रूट थ्री। हम समझते हैं कि ये करने सभी स्टूडेंट को अच्छे से आ चुका है, कि अगर किसी को अगर दिक्कत है तो बोल सकते हो। क्वेश्चन बनाने में हम नहीं समझते हैं कि किसी को दिक्कत हुआ होगा अब, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग लगाना होगा, एक जिसे हम 2 स्क्वायर के सम के बराबर लिख सकते, एक्यूरेट। जैसे अगर
तेरे को √20 दे दे, तो √20 को आदमी लिख सकता है 4 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, यानी यहां से 4 यूनिट, यहां से 2 यूनिट, और ये वाला हो गया √20। लेकिन अगर हम आसपास बनाते हैं तो ये आपका 20, ये 1, खींच दिया सेमी सर्कल, ये जो हुआ √20। इसी ढंग से तुम लोग दूसरे नंबर को भी सोचने का प्रयास करो, अगर सोचोगे नहीं तो बनेगा कैसे? सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है, यह बात को सीखना जरूरी। अब हम बात करते हैं कि जैसे रेशनल नंबर निकालना सीखे थे, वैसे ही इरेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। जैसे आप रेशनल नंबर सीखे थे वैसे ही क्या सीखोगे? इरेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। अगर इरेशनल नंबर अगर आपको आ गया तो बहुत ही बेहतरीन, और नहीं आया तो यार तो सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे हुए कोई उपाय तो है नहीं। क्योंकि अगर मनुष्य घर में जन्म लिया है तो तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा, रोज जब आओ हमारा ये काम करना ही है तो हम रो के क्यों करेंगे, हंसते रहेंगे। आइए आपका इंतजार को मैं खत्म कर देता हूं, और ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है तो आपका √ए बी। जैसे आपका अगर कोई 2 पूछे और 3 पूछे कि 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना, आप कह दीजिए √6। देखिए यहां पर ये 2 है, यहां पर 3 है, √6 का वैल्यू निकालना सिखाए थे कि इसको हम 600 लिख सकते हैं, और 600 को 576+24 लिखा जा सकता, यानी यहां पर 24 यानी 2.4 आएगा, और 2.4 इसमें है, यानी 2 रेस्ट के बीच में, या 2 रेस्ट के बीच में अगर किसी के भी बीच में निकालना रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दोगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्या सोच सकते हो कि अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं इसलिए हम तंग करने वाले आदमी हैं, ना मैं सोता हूं ना दूसरे को सोने देता हूं, ये 2 और 2.5 है, अब इसका निकालोगे तो √5, यानी देखो ये 2 से बड़ा है और 2.5 से छोटा है। अब लेकिन प्रश्न ये हो, अरे निकाल लो ना, क्या हो जाएगा 2 into √5 का बराबर हो जाएगा √2, आई रूट रूट हो गया 4th√5। अगर इसके बीच में भी निकाल सकते हो तो कैसे निकालना, नंबर निकालना है इन्फिनाइट, कुछ नहीं करो, यहां 2 है 2.5, इसके बीच में कुछ भी ले लो, ये 2.1 ले लो, फिर 2 ले लिया, 1 1 2 ले, 3 1 1 2 ले लिया, 4 1 2 ले लिया, सो ऑन हो गया। अगला तुम 2.2 ले लिया, यहां 3 ले लिया, 2 2 3 ले लिया, ये हो गया। तो हम समझते हैं कि आपको इरेशनल नंबर लिखने आ गया है, अगर आ गया है तो अब हम क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन पे चलते हैं।
ये क्रिएटर सुपर टाइटल चैनल है जिसका एक ही मकसद है कि शिक्षा को गांव गांव तक पहुंचाना, हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचाना। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर इस पर हम लोग विचार करते हैं। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, वीडियो को देख लो, या बच्चे हो, वीडियो को देख लो, एक चैप्टर का कंसेप्ट तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट को सिखाना हमारा एक मकसद, हमारा एक दायित्व। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई द योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल 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 सही है, क्योंकि रियल नंबर का तो बेटा एक का नाम रखा रेशनल, एक का नाम रखा रेशनल और दूसरा का इरेशनल, यानी प्रत्येक इरेशनल को रियल इरेशनल नहीं कहते हैं। पहला प्रश्न आपका जवाब मिल चुका है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट अंडर एन, वेयर एन बिल्कुल बिल्कुल। रेशनल नंबर को दिखा सकते हैं, अगर एम नेचुरल नंबर रहेगा तब, जैसे रूट अंडर एम दिखाना आया भी है, दिखाना सिखा दिए थे, यहां पर एम ले लेंगे और यहां पर वन, और ये सेम ही सर्कल खींच देंगे और ये हमारा रूट अंडर एम। हम समझते हैं कि सारे स्टूडेंट बिल्कुल पकड़ा। अगला है, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। नो नो, प्रत्येक रियल को इरेशनल नहीं कहेंगे, प्रत्येक इरेशनल को रियल कहेंगे। बिल्कुल आपने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अरे भाई, स्क्वायर रूट जितना भी होगा, क्या रूट अंडर फोर इरेशनल है? नो। अरे इरेशनल का यहाँ पर डिफिनेशन कर दो, आफ्टर डेसिमल प्लस डिजिट आर मोर, दिस इज द रेशनल, और डिजिट को नहीं जानोगे इरेशनल। जैसे रूट थ्री 1.732 समथिंग समथिंग समथिंग, हमसे पूछ दो 1000 रुपये प्लस पर क्या होगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। करोड़ रुपए प्लस पर क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए यह इरेशनल हुआ, लेकिन रूट अंडर फोर रेशनल इसलिए हुआ कि तुम कोई भी प्लस पर बता दो, मैं बोलूंगा कि 0 0 होगा, 0 0 होगा, यानी रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा, यह बात आपका क्लियर हो चुका है। अगला दायित्व हमारा है, ओ चूंकि पेज तो मेरा समाप्त हो गया है, हरा भरा ना नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री, सो दैट रूट फाइव रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। पहले तो रूट फाइव तो बुक के मेथड से करेंगे, तो इसको हम 2 के स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते, यानी 2 यूनिट आपको ऐसे चलना पड़ेगा, 1 यूनिट ऐसे चलना, और ये तुम्हारा रूट फाइव है, दिखा दिया। दूसरा तरीका जो तरीका के लिए हम जाने जाते हैं, यहां पर पहले 5 यूनिट ले लें, यहां पर 1 यूनिट ले लें, अब इसकी सेमी सर्कल बना दें और ये रूट फाइव। हम समझते हैं, बिल्कुल आपके दोनों मेथड से सीख गया है। अब अगली क्वेश्चन नंबर चार, चार में क्या करना है, स्पाइरल बनाना पड़ेगा, स्पाइरल बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं स्पाइरल को, कैसे, यहां ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये 0 से 1, यहां से 1 यूनिट उठा, ये √2, फिर यहां से 1 यूनिट उठा, या √3, फिर यहां से 1 यूनिट उठाए, या
रूट फोर, फिर एक यूनिट उठाए, रूट फाइव, ऐसे ही बनते चला गया। लेकिन अब तो सोचोगे कि ब्रेक नहीं, ये मैराथन है, ब्रेक को देखिए, यह मैराथन है, ब्रेक का टाइम नहीं। क्या रूट अंडर 10 को दिखा सकते हो? बिल्कुल, 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी पहले 3 यूनिट ऐसे ले लोगे, 1 यूनिट ऐसे ले लोगे, यह रूट अंडर 10। अब समस्या यह उठता है, समस्या क्या उठता है, इसको दिखाना ऐसे भी चाहोगे, ये 3 1, यहां पर सेमी सर्कल और ये वाला, ये आपका रूट। इसी ढंग से रूट 10 को दिखाना चाहोगे, यहां पर 10, एक सेमी सर्कल, ये रूट। तो अब ब्रेक का तो टाइम नहीं है, लेकिन चैप्टर एक कंप्लीट हो गया है। अगली 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 टाइम जो हम करने वाले हैं वो है रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, यानी रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंस। चलिए यहां पर अब हम बात करेंगे डिवीजन का नए तरीके से और रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, डिविजर क्या क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हम करेंगे। यानी वास्तविक संख्याओं और उनको दशमलव में प्रसार कैसे करेंगे, यानी निरूपण कैसे करेंगे, इसकी जानकारी यहां लेना है। यहां पर ध्यान दें, ये 10/3, यानी 3/10। इंटीआई 9, रिमाइंडर 1 है, डिवीजर आपका यहां 3 है, रिमाइंडर 1 है। यह बात आपको समझना है। आप देखेंगे कि फिर आपने पॉइंट बैठाया, फिर 3 3 9, रिमाइंडर पुनः 1 आ गया, ये 3 आ गया, फिर आप बैठाएंगे 3 3 9, फिर आपको ये आ जाएगा। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वह 1 और डिवीजर आपका 2। अब हम ये बच्चा से समझ गए हैं रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। इसी ढंग से अगर यहां 7/8 है, यहां 7 हो गया और यहां आपने पॉइंट बैठाया, 0 हो गया, 8 7 56, 8 8 64, पहला रिमाइंडर 6 आए, फिर आपने 0 बैठाया, 8 7 56, यहां पर फिर रिमाइंडर 4 आया और 8 5 40, 0 आ गया,
यानी इसकी रिमाइंडर 6-4-0। यह बात आपने क्लियर कर दिया है कि कोई दिक्कत नहीं। अगला 1/7 करेंगे, तो 1/7 की बात करते हैं, ये 1 हुआ, इसको आप भागा देंगे तो 0.142857। यह फिर रिपीट कर देगा, यह रिमाइंडर, यानी इसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो पहले रिमाइंडर आपका इसका 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 1 आया, यही रिमाइंडर आपका रिपीट कर। तो जब कोई रिमाइंडर रिपीट कर, इसका मतलब जिसका क्वोशेंट है वो भी रिपीट करे। जब ये रिपीट कर तो वो भी रिपीट करेगा, और ऐसे रेकरिंग बोलते हैं। ऐसे रिपीट वाले को रेकरिंग बोलते हैं, ऐसे रिपीट वाले को रेकरिंग बोलते हैं, ऐसे रिपीट वाले को क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, ऐसे रिपीट वाले को रेकरिंग बोलते हैं, ऐसे रिपीट वाले को रेकरिंग। और जहां वो 0 हो गए तो आपका रेकरिंग नहीं हुआ। यह बात आपको समझने में कोई तरह की कठिनाई नहीं। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ए आपने 10/3 लिखा, 7/8 लिखा, 1/7, यहां पर रिमाइंडर क्या था, डिवीजर क्या था और क्वोशेंट का ब्लॉक क्या था। रिमाइंडर यहां देखा 1111111, डिवीजर क्या था, 3। क्वोशेंट आप देखें तो 3 रिपीट करना, यानी ये रेकरिंग। यहां रिमाइंडर में आपने क्या देखा, 6 देखा, 4 देखा, 0 देखा, डिवीजन आपका क्या था, 8। यहां क्वेश्चन 0.875 गाड़ी रुक, यह आपका रेकरिंग नहीं है। अगला मैंने आपने देखा 3, 2, 6, 4, 5, यह फिर रिपीट किया, फिर 3, 2, 6, 4, 5, 1, डिविजर तो 7 था, यानी इसकी क्वोशेंट भी रिपीट करने लगा। वह क्वोशेंट क्या रिपीट करने लगा, 14, 28, 57, फिर 14, 28, 57, यानी रेकरिंग हो गया, यानी रेकरिंग, समझ गए, यानी रेशनल नंबर 2 टाइप, एक टर्मिनेट, ये टर्मिनेट कर और एक, ये दोनों नॉन टर्मिनेट, और नॉन टर्मिनेट होगा, ये क्लियर बात है, तो रेकरिंग होगा। अब प्रश्न आता है कि रेकरिंग को कैसे करें, P/Q के फॉर्म, या P/Q के फॉर्म में है उसको कैसे करें उस। अब इसकी चर्चा चले, आइए चर्चा करके हम देखते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन का समय आ चुका है, यहां पर 3.142678 है,
यार इसको वहां पर क्यों है? अरे अपॉन क्यू रेस तो नंबर है। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो हमारे पास जी यह बात क्लियर हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिव है, नॉन टर्मिनेटिव का डिफिनेशन बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर को 2 के पावर n और 5 के पावर n ही लिखा जाए और जहां वेयर am and n होल नंबर हो तो वह जो है आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यह टर्मिनेट हो गया। लेकिन जब अगर नॉन टर्मिनेट हो, जैसे यहां 0.33333333, यानी x बराबर 0.3 रख रही, अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.3 पर रख रही, अब यहां पर 10x 3+0.3 रख रही, यहां 3 और इसको x लिख सकते हैं, 9x=3, x बराबर 3/9 कट के 1/2। लेकिन यहां पर क्या आपने कैलकुलेशन किया? अगली प्रश्न 1.27 27 27 27 यानी 1.27 पर रेकरिंग, अब यहां पर तुम्हारे पास इसको करना है। तो देखो तुम्हारे पास ध्यान दो, ये 2 पर है तो 100 से गुना किया तो क्या मिला? 1.27+0.27 पर रेक, ई वाले को लिख सकता था 1.27 पर एक रिंग, यानी x-1 लिख देगा तो 100x=127 और x-1 ये इधर आ जाएगा 19x। 127 - x = 127 - 1/99। अब यहां ध्यान दो, क्या ध्यान देना कि 127 में से गया यानी 126/99। यार ना तुम्हारे पास एक लॉजिक आया, क्या लॉजिक आया भैया? कि जो नंबर होता है वो नंबर को लिख देते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको घटा देते हैं, और जितना पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिखते हैं। एक प्रश्न और कर लोगे तो तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारे पास सभी टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आ जाए, इसमें कोई तरह का दिक्कत ना हो। आइए अगला देखते हैं। x बराबर है 2.0 सॉरी x बराबर है 0.235 पर। पहले तो आप रिलेटिव के पास पहुंचते हैं, पहले हम क्या पूछते हैं, पहुंचते हैं रेकरिंग के पास पहुंचते हैं। रेकरिंग के पास पहुंचने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2.35 पर रेकरिंग, यानी इसको लिखना पड़ेगा 10x यहां 2.35 पर रेकरिंग, यानी 0.35 पर रेकरिंग = 10x - 2, यह लिखना पड़ेगा। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये रिप्लेस करेगा, यानी 1000x से मल्टीप्लाई किया तो 23.35 पर रेक, यानी 1000x यहां पर 235 और यहां पर 10x - 2। अब ये वाला इधर आ गया तो 990x = 235 - 2, x बराबर 235 - 2/990। इसको गौर से देखो, क्या देखा है? कि जो नंबर था वो नंबर को लिख दिया गया बिल्कुल, जिस पर रेकरिंग था उसको हटा दिया, उतना 9 लिखा गया जितना पर रेकरिंग था
और दशमलव के बाद वैसा अंक जिस पर रेकरिंग नहीं था उतना जीरो लिखा गया। हम समझते हैं कि बिल्कुल आपने यह बात को समझ गया है, कोई दिक्कत? ये भी बात आप समझ गए हैं। अब यानी यहां तक में अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हो आप। अब हम 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना चाहते हैं। 1/7 को अभी सॉल्व आपने किया था 0.14287, ये दुगना हो जाएगा, तो 0.28 और 57 और 1/4। अब ये दोनों के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालना है, तो ये सिंपल है, ये 14 28 के बीच में, यहां 1.428 है, इससे आगे बढ़ जाओ ना, 1.5 कर दो, जो मन करता है लिख दो, हो गया। इस टाइप से इनफाइनाइट निकाला जा सकता है। आप क्वेश्चन विंडो का समय आ चुका है एक्सरसाइज 1.3 का। अब हम बात करेंगे 1.3 का, तो क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग को करना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास काम होगा। यह क्रिएटर सुपर 30 चैनल पर आप देख रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से सिखाना, मैथ्स की कोई भी कंसेप्ट को, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के, दुनिया के कोई बोर्ड के बच्चे। अरे तुमको नंबर सिस्टम है ना, ये वीडियो को देखो, नंबर सिस्टम है, इस वीडियो को देख लो, तुम्हारा काम हो जाए। आर्कमिडीज साहब ने यह बात को तो यहां पर ध्यान देना है कि आपको कैसे करना है, तो मैं बता दूं कि आर्किमिडीज साहेब को भी पाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले काम हुआ था, और आर्यभट्ट साहब ने भी पाई की वैल्यू निकाला था। अब यहां पर तुम्हें क्वेश्चन सेशन चालू हो गया, यानी जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो वह आपका रेशनल होगा, और जिसे नहीं लिख सकते हो इरेशनल होगा। अब प्रश्न ये उठेगा कि क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में यह है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम द एंड से दैट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। यहां पर 36/100 है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 1/8। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले यहां पर देखना पड़ेगा कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। भैया ये टर्मिनेट है, ये नॉन टर्मिनेट है, ये भी टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है, और ये टर्मिनेट है। पहचानते कैसे? इस 100 को 36 36 रहने दीजिए,
दो के पावर दू, फाइव के पावर दू, 11 को तो हम 2 और 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो नॉन टर्मिनेट। यहां 33/8 है तो 2 के पावर 3, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, और 329 है तो 2 के पावर 4, 5 के पावर। यानी अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जो है उसको आप मतलब टर्मिनेट कर दीजिए अच्छे से। तो देखो यहां दोनों दो दो है तो बस कुछ नहीं, 2 अंक के बाद इसका हो जाएगा दशमलव, 36 हम लोग के 2। यहां देखो ये है, ये 33 है, ये 5 के पावर 3 है, ये भी 5 के पावर 3 है, यानी 33 × 125/2 के पावर 3, 5 के पावर। अब 125 में 33 से गुना, 5 × 15, 3 × 6 = 7, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, 3। यानी 41 25 आ गया 3 अंक के बाद दशमलव, यानी आंसर 4.125। इसी ढंग से ये प्रश्न देखिए, ये 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 2 है, यानी इसको 4 पूरा करने के लिए ऊपर नीचे गुना करा, यानी 329 को 25 से, अब 9 × 5 = 45, हाथ में 4, 5 × 10 = 14, और 5 × 15 = 16, 9 × 2 = 18, 2 × 4 = 5, 3 × 6, यहाँ 5। यानी यह 82 25 है, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.8225। हम समझते हैं कि अच्छे ढंग से आप लोग को आ गया है और फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ने अच्छे से बना डाला है। अगला प्रश्न आता है कि 1/7 1/7 को 0.142857 लिख, तो 2/7 2 से इसको गुना कर देंगे, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाथ इधर रखना, हाथ इधर रखना, 7 × 14, 5 × 10 = 11, 8 × 16 = 17, 2 × 4 = 5, और 4 × 8, और 2 का 2 हो गया। इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 21, 3 × 5 = 15, 17, 8 × 3 = 24 = 25, 3 × 2 = 6 = 8, 4 × 3 = 12, 2, और यहां पर 3 × 1 = 4, एक रिंग डाल दी। इसी ढंग से 5 का कर दोगे, 6 का कर दोगे, अगला तुम 7 से इसका गुना करोगे तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 47 49, 7 से इसको गुना करोगे तो 47 49 हो जाएगा, और 7 × 5 = 35, ये ऐसे 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 लगभग हुए आपका। तो यहां पर एहसास आपने क्या किया 0.9999 के बराबर हो जाएगा। यह बात आपको अच्छे से आ गया है। अगली प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर
दो हो गया है। क्वेश्चन नंबर तीन की अगर हम बात करें तो वहां पर चेंज करना है, तो यहां पर 0.6 पर एक रिंग है, तो 6/9 सब्जेक्टिव भी करना सिखा दिया था, सब्जेक्टिव अपना कर लेंगे। 0.47 पर एक रिंग है, 47 - 4/9 यानी 43/9। अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री, 0.01 पर एक रिंग है, यहाँ 1/3 है, तो 9/9। हम समझते हैं कि यह प्रश्न बनाने में किसी भी स्टूडेंट का कोई कठिनाई नहीं हुई है। अगर किसी को कठिनाई हुई है तो बोल सकते हैं, तो अभी कठिनाई तो नहीं हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 का है 0.999। यहां ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, 0.999999 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या आप उत्तर को आश्चर्यचकित होंगे? अपने अध्यापक और कक्षे के सहयोगियों के साथ उत्तर को सार्थक चर्चा करें, क्योंकि आप चर्चा करेंगे तब आपको आ जाएगा, और ये चर्चा में आपको आएगा कि 9 पर नहीं लगा सकते, ये लगभग 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या चर्चा आपको करना है तो आपको ये क्वेश्चन आपको करने आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 0.9 पर एग्रीड था, तो 9 में से 0 चला गया, 9 हो गया, वैल्यू 1 हो जाएगा। यह बात आपको यहां पर चर्चा करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो 1/17 को यहां पर कर करके और उसको गुणा करना है। आइए देखते हैं, 1/17 यहां 1/7 हड़बराना नहीं, क्योंकि हड़बराने से मनुष्य का कुछ नहीं हो सकता, वो सीखना पड़ेगा। अब देखेंगे कि यहां पर पॉइंट बैठा है, यहां 0, यहां पर नहीं लगा 0 टाइम्स में, यहां अब 17/85, यहां 15 आया, यहां 0, अब 17×8=36, 14 आया, फिर 17×8=36 हुआ 4, अब 0, 17×34 हुआ 37 हुआ, फिर 17×85 हुआ, फिर 17×34 हुआ, से 153 हुआ, फिर 17×68 हुआ, 17×17 हुआ, फिर 3 आया, फिर 17 आया, फिर 13 आया, ऐसे हम डिवाइड करते रहेंगे, फिर उस रेकरिंग को इसमें करेंगे तो आपको आएगा, कहूं ना कहूं गलती हो गया है, ये 0, 17×85, 15 आया, अब 136, 14 आया, 0 बैठा दिए, 4 आया, 34 आया। इस ढंग से आप देख लेंगे
तो आपको आ जाएगा। और अब तुम्हारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आते रहेगा, जांच करके पुनः उसको करना है, तो और फिर उसको रिपीट कर देना है। जैसे इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, 1/3 को 0.33 लिख सकते हैं। अब इसको रिपीट करके करेगा तो यही आ जाएगा। अब हम लोग अभी यहाँ पर कोई ब्रेक के टाइम नहीं होगी, चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को, यानी क्यू का कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए जो टर्मिनेटिंग कर दे। तो उसको हम बताए हैं कि क्यू को जो प्रोडक्ट हो, वह प्रोडक्ट का जो पार्ट हो, वह फैक्टर का जो पार्ट हो, वो केवल 2 और 5 या उससे बना हुआ तो हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स रूट्स डेसिमल एक्सपेंस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब 3 संख्याएं लिख करके दशमलव का प्रसर में वह आपका आंसर होना चाहिए जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, अरे एग्री भी नहीं हो। अरे यार, 0.10, 110, 111, 4 को 1 तब 0, ऐसे लिखते चले जाए। इस ढंग से 3 को आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगला है 5/7, क्वेश्चन नंबर 8। 5/7, 9/11 को अलग अलग प्रमेय संख्या में लिखना है। आपको इसका लिखना बिल्कुल आसान, 7 भागा पहले 5 कर दी, 7 × 7 = 49, 1 आया, 7 × 7, यहां पर 9 को 11 से कर दे, 11 × 8 = 88, 1। यानी इसके 0.71 और 0.181 के बीच में जो नंबर लेना है, अगर 0. आपने 72 ले लिया, 12 ले लो, 11 12 ले लो, 111 12 ले लो, 4 को 1 2 ले लो, 5 को 1 2 ले लो, ऐसे बढ़ते चले ये करने आ गया होगा। हम समझते हैं कि 8 नंबर भी क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाई द फ्लूइड नंबर्स रेशनल, यार पहचानना है √23। क्या इसकी पूरी पूरी रूट निकाल सकते हो? नहीं, इरेशनल। यहां पर 2 to 5 पूरी पूरी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 0.37, इसके आगे कुछ नहीं है, 0 है, रेशनल। अगला क्वेश्चन 7.4784, 7 8, ये 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8, यानी रेशनल। अगला है 1.101, 1001, ये रिपीट नहीं कर, रिपीट नहीं, इरेशनल। मजा आ गया होगा? मजा तो अभी नहीं आया, क्योंकि मुझे तो अभी मजा ही नहीं आया। कुछ क्वेश्चन आप लोग को भी छोड़ देता हूँ, आराम से निकाल लीजिए इरेशनल नंबर। 2/3, 8/9 के बीच में, 1/9, 1/7 के बीच में, √3 और √5 के बीच में, 5/7 और 7/9 के बीच में आप लोग इरेशनल नंबर निकाल के देखें। अभी हम लोग का ब्रेक खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग को जारी करना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैराथन है। ऐसे 3 वीडियो आपकी कंप्लीट हो गया है, 3 चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गया, इससे आपको नहीं मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ये मैराथन है। मैराथन में क्या होता है, मैं तो मैराथन में ऐसा करने वाला हूँ, 1 दिन में 9th क्लास की पूरी बुक पढ़ा दूंगा, दूसरा दिन 10th क्लास की अपना बुक पढ़ा दूंगा, पूरा बुक हो जाएगा, तब
तब भी हम चैन से बैठेंगे। अभी तो चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैथ्स का एग्जाम अगर 5 दिन पहले अगर इन्हें पूरे वीडियो कॉल पे देख लिया, 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये विश्वास हम आपको दिला सकते हैं कि 100 में 100 लाने से कोई नहीं कर सकता है, ये विश्वास हम आपको दे सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगली चैप्टर को, एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज को देखते हैं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। 1.4 में आपके पास, सभी लोग के पास स्केल होना चाहिए, सब लोग अपने अपना स्केल निकालो। अगर स्केल नहीं है, अगर स्केल नहीं है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखो भाई, पहले मेरे मेथड से सीखो, फर्स्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं लाइन से। अगर मैं लाइन सेकंड से आपने सीख लिया तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, लेकिन चूंकि मुझे स्केल दिखाना है, वो भी जानना जरूरी है। ये आप क्रिएटर सुपर 30 चैनल पर देख रहे हैं, एडवांस स्केल आपको मिल रहा है, एडवांस यानी आपको 2/3 दिखाना, यानी कोई लाइन सेगमेंट ले ले। अब इसको देखो कितना भाग में बांटना है, 3 भाग। यहां पर एक यूनिट एंगल ले ले, और एक यूनिट एंगल सबसे आसान होता है 60 डिग्री, यहां पर भी 60 डिग्री, 3 भाग में काटना है तो इसको 2 भाग में काटे। अब 2 1 3 मिला दें, ये मिला दें, 2/3 दिखाना है, यानी ये वाला वैल्यू 2/3, ये एक्यूरेट, सबसे आसान ये है। हम समझते हैं कि यह बात सब लोग ने अच्छे से समझ गया होगा, ये 2/3 को, अगर ये 2/3 को सब लोग ने अच्छे से समझ गया है तो हम गाड़ी को आगे बढ़ाएं, अदरवाइज सीखने की जरूरत, समझने की जरूरत, क्योंकि 2/3 को आपको दिखाना है। लेकिन अब समस्या यह है कि 2/3 को आप भागा देंगे तो 0.666666, यानी नंबर लाइन पे मैग्नीफाइड ग्लास लेना होगा 0 1 के बीच में पहले को। यह बात तो क्लियर है। आप इसको 10 भाग में बांटोगे, कि 10 भाग में बांट दिया, और यहां पर देखो ये 0.6 है, यानी ये वाला तुम 0.6 यहां लाओ और 0.7 यहां। अब इसको भी 10 भाग में बांटोगे तब यहां पर ये 0.61 होगा,
0.62 होगा, यानी उसको भी 0.65 और यहां पर 6 6, यहां 6 और 7 हो, यहां फिर बात तो 0.66 लोगे और 0.6 और बांटोगे तो 0.6 नंबर लाइन पर हो जाएगा। हम समझते हैं कि दिखा नहीं आया, लेकिन स्टेटमेंट वाला सबसे अच्छा तरीका है, जो तरीका का इस्तेमाल करें सब लोग। अगला प्रश्न हमारा है 5.37 पर, यानी इसको आप पहले 537 -53 -9 जी, 7 में से 3 किया तो 4, और यहां ये 3 13 8 कटने वाला है तो काट देंगे 45 बार में, और 2 4 2 यानी 242/45 है, ये आ गया। अब आपको क्या करना होगा, 5 को रहने दीजिए प्लस, इसको बदल देते केवल 37 पर एक रिंग, यहाँ 37 -3/9 0 मीन्स आपका 34/90, ये कट जाता 17/45, यानी 5 और 6 के बीच में 45 सेगमेंट बनाना पड़ेगा। इसको 45 काट देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते चल जाएंगे। इस पे तो इधर से 17 वाले मिला देंगे, क्योंकि 17/45 है। जैसे पीछे वाले पेज में 2/3 था, तो 2 वाले को मिला, जैसे यहां 3 भाग में काट दिया, 2 भाग खाली ये वाला दिखाता, 2/2 आ जाता, यानी इसकी 44 भाग में काट के ये वाले को ये दिखा सकते थे। यानी आपको यहां पर दिखाने में किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से दिखा सकते हो। आइए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.4। यानी आप क्वेश्चन विंडो में प्रवेश कर चुके हैं, विजुलाइज करना है कि 4 5 7 5 आपको मानना है कि आपके पास मैग्नीफाइड है, यानी पहले बड़ा वाला बन, ये 4 है ये 5 है, इसको 10 भाग में बांट दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम्हारा पर 4.5 से बड़ा है और 4.6 से, ये लाइन 4.5 है,
4.6, इसको आप मैग्निफाई कर दिया 4.5, 4.6, अब मैग्निफाइड करके फिर इसको 10 बार नहीं बांटा, अब हमारा 4.57, और ये यानी यहां पर ये आ गया 4.57, 4.5। अब इसकी फिर मैग्निफाइड किया, फिर बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही की तलाश थी और ये मिल चुका है, यानी ये हुआ। कैसे कैसे मैग्निफाई करना है ये हम आपको दिखा दिए। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन है तुम लोग के पास, 3.76 दिखा दोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर टू है 2.26 पर रेफरिंग, 2.6, 2.6, 2.6 से फिट कर जाएगा। ये सब आप लोग एक बार दिखा देंगे और कमेंट करेंगे, हम खुश होंगे। ये 5 दशमलव तक या 4 दशमलव तक ये वाला रहेगा तो फिक्स कर जाएगा, 4 तक आ रहा तो 2.6, 2.6 दिखाना है। इसी ढंग से अगला वाला 5.37 पर एकरिंग है, 5 अंक तक दिखाना है तो 5, 5 अंक तक, तो यहाँ 5.37777 हो गया। हम समझते हैं कि आप लोग ये चीज को कर चुके हैं, ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल पर आप देख रहे हैं। अब हम यहां पर बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि आप यहां पर अगली चैप्टर में प्रवेश करेंगे और वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का ऑपरेशन। अब यहां हमारे पास चूंकि रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक रेशनल होता है और दूसरा इरेशनल। कितने टाइप का होता है? एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। अरे भाई, रेशनल इरेशनल के बीच में कर दो तो जोड़ोगे, इरेशनल होगा, घटाओगे इरेशनल होगा, मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल होगा, डिवाइड करोगे इरेशनल होगा। यानी तुमसे अगर कोई पूछे 2+√3 इरेशनल, 2-√3 इरेशनल, 2√3 इरेशनल, 2/√3 इरेशनल, यानी कुछ भी हो तो आपको करने आ गया। लेकिन इरेशनल इरेशनल में कंडीशन होता है,
जोरों में भी क्रिस्टल हो सकता है, घटाओं में भी क्रिस्टल हो सकता है, मल्टीप्लाई करके क्रिस्टल हो सकता है और डिवाइड करके भी क्रिस्टल हो सकता है। देखो अगर रूट थ्री को माइनस रूट थ्री के साथ जोड़ तो जीरो हो गया, रूट थ्री को रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब रूट थ्री को रूट थ्री के साथ घटा दिया जीरो हो गया, रूट थ्री को रूट थ्री के साथ कर दिया, तो ये कंडीशनली होता है। तो ऑपरेशन मल्टीप्लाई होता है, कर दो ना, कर दो कर दो कर दो कर दो, जो आएगा रिजल्ट लिख दो लिख दो लिख दो, आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ये क्रिएटर सुपर टेडिक चैनल पर आप देख रहे हैं, मकसद एक ही है, ये 12 दिन हम लोग ने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुका है, 5वीं वीडियो में प्रवेश एंट्री, लेकिन इसकी 6 वीडियो है, 6 वीडियो एक बार में बनेगा, क्योंकि ये मैराथन है, जब चालू होगा तो चैप्टर अंत होने के बाद ही अंत होगा, इसके पहले कोई अंत नहीं होगा, लाइन है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, नेट है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, चलेगा पानी पर, पानी तो भरेगा ही, जो करना है तो, लेकिन क्वेश्चन को करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन, टेक विनर 7.5, 7/5, क्योंकि रेशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशन होगा तो हो जाएगा इरेशनल इरेशनल इरेशनल, एडिशन का मतलब, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, एडिशन का मतलब और सब्ट्रैक्शन का मतलब लाइक में, ये लाइक में यानी जो जिसमें होगा, बेंच बेंच में जुड़ेगा, डेस्क डेस्क जूल में जुड़ेगा, मोबाइल मोबाइल जुड़ेगा, यानी मेरे दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है ऐड करें, यहां 2√2 है और 5√3 और √2 − 3√3, देखो ये दोनों सेम जाता है, जुट गया 3√2, यहां तो जुटा लेकिन घट गया 5 में से गया, हम समझते हैं कि आप अच्छे से जान गए एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब आप लोग सीख गए हैं, लाइक होता है, अगला मल्टीप्लाई है, यहां पर 6√5 है और 2√5 है, 6 × 12 हो गया, यहां √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, यानी रिजल्ट 60 हो गया, इसी ढंग से डिवाइड करना, एक यहां पर √15 डिवाइडेड 2√3, यानी एक इसको √5 × √3 लिख सकते हैं, इसको 2√3 √3 कर गया और यहां पर 4/5, ये 4/5 आंसर हो गया, बिल्कुल अपने ऑपरेशन करना आप लोग आ गया है, इसमें कोई तरह का तुम्हारा बात नहीं है। अब बात रहा नंबर लाइन पर दिखे ना, तो मैं नंबर लाइन पर पहले ही रूट अंडर एक्स को दिखा चुका हूं, तो यहां पर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, रूट अंडर एक्स को मैंने आपको ये दिखाना सिखा दिया है ज्योमेट्री के सहारे, फिर से एक बार रिविजन, ये ऑरिजिन से 1 यूनिट इधर लेंगे, 1 यूनिट ए लेंगे, अब तुम्हारे पास सेमी सर्कल खींचेंगे, ये वाला √x, क्यों, क्योंकि ए वाला x+1/2 है और ए वाला x−1/2, हम समझते हैं कि दिखाने सब लोग को आ है, इसमें कोई तुरंत की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पर अगली एक्सरसाइज की भी टाइम अब होने वाली है, कुछ ही देर में 1.5 हम लोग चाहिए, आप देखेंगे कि √a √b बराबर √a, ये फॉर्मूला दिखा रहा था, नहीं जी ये गलत है, ये ताप सकल है, एट लीस्ट वन डेल्टा आर पॉजिटिव, कम से कम एक डेटा पॉजिटिव होगा,
अदरवाइज असंभव है, संभव संभव सम। जैसे रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स हो जाए, लेकिन रूट टू अब माइनस थ्री, तब यह द्वितीय छे माइनस थ्री, यह बात समझने की जरूरत। लेकिन यही माइनस रूट टू अब माइनस रूट थ्री, तो माइनस बिल्कुल सही पता, ऐसे कि माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर फॉर्मूला गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर माइनस वन, रूट अंडर माइनस वन, माइनस यहाँ निकल गया, ये हो गया, बाहर निकला माइनस वन। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। अब यहाँ रूट अंडर ए है, अब बाई बी है, तो रूट अंडर ए बाई रूट अंडर, या अगर रूल जानते हैं प्लस, तो हम लोग अब मैथ्स की दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी है, यहाँ रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी है, तो ए माइनस। इसी ढंग से अगर ए प्लस रूट बी है और यहाँ ए माइनस रूट बी है, तो ए स्क्वायर माइनस अगला है तुम्हारे पास। इसी टाइप का यहाँ पर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी और यहाँ पर रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी मल्टीप्लाई कर दो, रूट अंडर ए सी हो जाए, इसकी मल्टीप्लाई करोगे रूट अंडर ए डी हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सी डी हो जाएगा। इसी ढंग से फोर नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर ए रूट अंडर बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी हो जाए। इस ऑपरेशन के तहत दुनिया की हर क्वेश्चन बनने वाली है। आइए 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 देखते हैं, यहाँ पर फाइव रूट सेवन और यहाँ पर टू रूट फाइव, 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 रूट 5 हो जाएगा, 2 रूट 7 हो जाएगा और रूट अंडर 35। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है 5 रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 तो 5 5 25 और रूट 5 तो -5, आंसर 20। हम समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में किसी भी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं है। और अब रेशनलाइज की बात करेंगे, यानी रेशनल नंबर लाना है, रेशनल नंबर लाना है, यानी 1/√2 नीचे रूट टू और ऊपर रूट टू से गुना कर देंगे, रूट टू नीचे। अगला प्रश्न तुम्हारे पास है 1/√3, अब यहां पर तुम्हारे पास क्या हो, 2 √3 से ऊपर गुना और 2 √3 से नीचे गुना, ये बाहर हो गया 2 √3 और 4 में से 3 गया तो 1, आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। हम समझते हैं कि रेशनलाइज करने में अब किसी को स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना सर, बाबा है, यानी कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बाबा है तो दिक्कत है क्या, किसी को भी दिक्कत नहीं, यह बात को समझने में आपकी कोई तरह का दिक्कत नहीं। इस ढंग से अगर 7 √3 है तो इसका रेशनलाइज क्या होगा, 7 − 3 √2 और नीचे 7 − 3, यानी नीचे वाले को रेशनल नंबर लाना है। आप क्वेश्चन विंडो का टाइम आ चुका है, करते हैं क्वेश्चन विंडो, आइए देखते हैं और बड़ा क्वेश्चन का, लेकिन इससे पहले कुछ फैक्ट के बारे में, तो फैक्ट के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है और तीनों क्वेश्चन की आवश्यकता है। आइए देखते हैं 1.5 एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.5, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल और इरेशनल। बताओ भाई, ये 2 − √5 है, इरेशनल है,
अगला देखो, यहाँ 3√23, ब्रैकेट -√23, तो 3 + √23 -23 कट गया, 3 हो गया। अगला है 2√7, 7√7 कट गया तो 2/7 आ गया, रेशनल हो गया। 1/√2 है, यहाँ √2 से, ये आपका इरेशनल है। यहाँ 2π है, इरेशनल है क्योंकि पाई इरेशनल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 3√3 है और यहाँ पर 2 + √2 है, तो यहाँ पर 3 × 2 = 6 हो गया और यहाँ पर 3√2 हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास कहाँ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, आप क्रिएटर सुपर 30 चैनल को आप देख रहे हैं। रिकॉल पाई डिफाइन, तो पाई जो है वह आपका सरकमफ्रेंस ऑफ डायमीटर का रेशियो है। ये सरकमफ्रेंस, ये पाई इरेशनल इसलिए है क्योंकि यह रेशियो डिफिनिट में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 9.3 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो कुछ नहीं करो, ये 9.3 यहाँ ले लिया, 1 यूनिट को बढ़ा दिया, सेमी सर्कल खींच दिया, यह जो आया वो 9.3 होगा, इसको दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रेशनलाइज करना है, यहाँ √7 है तो √7 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास यहाँ √7 आई √6 है, तो यहाँ पर √7 + √6 से गुना कर दोगे, तो हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, यहाँ √5 है, √2 है, तो यहाँ पर √5 - √2 और यहाँ पर भी √5 - √2। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास 4 नंबर कह रहा है, यहाँ √7 - है, यह √7 + 2 और यहाँ √7 + 2, ये करने आ गया है। अब एक प्रश्न हमारा और है और उसके बाद यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रियल नंबर्स। अब इसकी एक्सपोनेंट का रूल पढ़ना है और क्वेश्चन को करना सिखा देना है, तब थोड़ी बातचीत हो जाए ना। ये क्रिएटिव सुपर टाइटल चैनल है, आप एक बार वीडियो देख लिए, या आप हिंदी मीडियम का है जैसे बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, महाराष्ट्र से लेकर कोई भी अगर हिंदी बोर्ड में है तो आपके क्वेश्चन बन जाएगा, सीबीएसई से है बन जाएगा, आईसीएसई बोर्ड से है बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट का पहला रूल, a^m (a^n) + (a)। दूसरा, a^m (a^n) - a^m। तीसरा, a^m का होल पावर n (a^n)। और चौथा, ये 4 रूल से a^m (b^m) तो m कॉमन ले लीजिए और a^b^m। यही 4 रूल से यानी मल्टीप्लाई रहेगा तो एडिशन हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो सबट्रैक्शन हो जाएगा और पावर पर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई। अब इस पर क्वेश्चन करना है भाई, अब तुम्हारे पास सीधे क्वेश्चन आंसर पर एग्जाम्पल से लेकर सब पर हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं, ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल को आप देख रहे हैं, ये इसका एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, गांव गांव तक शिक्षा कम से कम पैसा में पहुंचाना। ये 17^2 है और 17^-5, यानी 17^2 - 5, यानी 17^-3, यानी 1/ यहाँ 17/17/3। अगला क्वेश्चन तुम्हारा पास 2 है, 5^2 और इसके पावर -7, यानी 5^-14। क्वेश्चन नंबर 3, 23^-10, 23^7।
यहाँ पर 23 की पावर -10 -7 यानी 23 के पावर यहाँ पर -7। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 के पावर 3 9 के पावर -3 यानी 963 के पावर -3 यानी ये रूल के अनुसार आपका आराम से हो गया। इसी ढंग से 2 के पावर 2/3 है, 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 2/3 1/3 यानी 2 के पावर 3/3 कट जाएगा तो हुआ। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ 3 के पावर 5 इसका होल है, यहाँ पर 3 के पावर 1/3। अगला है तुम्हारे पास 7 के पावर 1/5 है, 7 के पावर 1/5 है, यहाँ पर 4 है, 13 के पावर 1/5, 17 के पावर 1/5, 13 × 17 और इसका होल पावर 1/5। ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल को आप देख रहे हैं जिसका मकसद करने आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, यानी अब चैप्टर समाप्त होने वाला है। पहला मैराथन की समाप्त होने का 64 के पावर 1/2, 64 के पावर को हम 2 के पावर 6 और उसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ये कट गया तो 2 के पावर 3 आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 32 के पावर 1/5 है, 2 के पावर 5 है, इसका 1/5 कट गया तो 2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 125 के पावर 1/3 है, 5 के पावर 3 है, यहाँ 1/3 आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 9 के पावर, यहाँ 3/2 है, यानी 9 को 3 के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 3/2, 2 से कट गया, 3 के पावर 3, 27। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 32 के पावर 3/5 है, यानी 2 के पावर 5, इसका 3/5, 5 5 कट गया तो 2 के पावर 3 8 हो गया। ये क्रिएटर सुपर 30 चैनल पर आप देख रहे हैं, एक ही मकसद है कि आपको शिक्षा आराम से, यानी 16 के पावर 3/4 है, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 से 4 कट गया, 2 के पावर 3 8 हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 125 के पावर -1/5 है, यानी 5 के पावर 3, इसका -1/5 यानी 5 के पावर -3/5। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि 2 के पावर 3/2 यहाँ 2 के पावर 1/5 तो 2 2 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर 3/2 + 1/5 इसको सॉल्व कर देगा तो 10 LCM, 5 तिहाई 15, 5 × 10 यानी 2 के पावर 17/10। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास, इसी ढंग से 11 के पावर 1/2 है, 11 के पावर 1/4 है, 11 के पावर 1/2 - 1/4 यानी 11 के पावर 1/4। और लास्टली क्वेश्चन है, 7 के पावर 1/2, 8 के पावर 1/2 यानी 56 के पावर 1/2 आंसर आ गया। ये आप क्रिएटर सुपर 30 चैनल को आप देख रहे थे, इसका एक ही मकसद था जो आपका कंप्लीट हो गया। ये 6 वीडियो हम लोग का बना है और ये पूरी कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई ढंग का क्वेश्चन में अंतर नहीं है। अब यहाँ पर हम छोटा सा एक लेंगे ब्रेक और फिर हम लोग मैराथन चालू होगा। अब इसमें तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में पहुंचाएं। यह हमारी एक मकसद कि लोगों के बीच में जितना पहुंचाएंगे उतना ही आपके लिए सही होगा, और नहीं पहुंचाएंगे तो आपको वहां पर दिक्कत होगा। यह बात आपको क्लियर कट हम आपको बता दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो यहां पर
इसमें पेजवा कम ना रहता है, रुको, लेकिन जितना पेज है उतना देख लो। अब तुमको वीडियो देखना पड़ेगा, ये पेज बाई पेज में इसमें एक समस्या है कि इसमें 10 पेज रहता है। पहला पेज हाँ तो आधा हो चुका पूरा है। कंप्लीट कर दिए, हाँ ये चलो नंबर ठीक है। ये वाला हो चुका है, पूरा ये वाला ले चुके हैं हम। लिख लो एक बार वीडियो रोक करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।